अस्सलाम वालेकुम। आज है 9th जुलाई, मींस संडे। हम लोग जा रहे थे मिस्टर DIY, बट रास्ते में अनफॉर्चुनेटली पानी बरसने लगा और हम लोग ने अम्ब्रेला भी कैरी नहीं किया है। सो यहाँ पे रोड के साइड हम लोग अभी फ़िलहाल वेट कर रहे हैं पानी का रुकने का। रूहानी भी थोड़ा थोड़ा भीग गई है और इज़ान भी हल्का हल्का भीग रहा था, थोड़ा डर रहा था, इसलिए सो इज़ान तो हम लोग रुक गए हैं। बारिश काफ़ी तेज़ हो रही है, सोचा ही नहीं था, पहाड़ वगैरह कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा है। सो अब हम लोग को कहीं ना कहीं छुपना पड़ेगा। तो उधर पे है ले। प्लान में है थोड़ा सा चेंज। हम लोग ने सोचा क्यों ना गाड़ी रोक के थोड़ा सा वेदर इन्जॉय कर लिया जाए, थोड़ा मौसम के मज़े ले लिए जाए। तो हम लोग यहाँ खड़े हैं फिलहाल। मज़ा आ रहा है जान? अच्छा, जो अल्लाह की बनाई चीज़ है, जो कुदरती चीज़ है, उसको देख के इतना सुकून, लाइक एकदम पीस फुल महसूस होता है, बहुत अच्छा लगता है। अब हम लोग जा रहे हैं वापस। आदि, मैंने अपनी ज़िंदगी में कभी नहीं सोचा था कि मैं इतनी खूबसूरत जगह रहूँगी। मतलब घर से 5 मिनट का डिस्टेंस और इतनी खूबसूरत खूबसूरत चीज़ें। अब लखनऊ में पता है गर्मी से एकदम बेहाल था, वो भी मतलब अच्छी सिटी है, ऑब्वियसली मैं वहाँ रही हूँ, बट दिस नज़ारा, दिस लाइफ आई वॉन्ट। झरना क्रॉस कर। सो अब हम लोग जा रहे हैं घर। अच्छा एक्सपीरियंस था, थैंक्स एक्सपीरियंस कराने के लिए। सो आदि, मेरा तो फर्स्ट टाइम था यहाँ का एक्सपीरियंस, मुझे तो बहुत खूबसूरत लगा, बहुत ब्यूटीफुल। ये बहुत अच्छा लगा, बारिश के मौसम में आप देखोगे ना, हाँ, पहाड़ पे झरने गिर रहे हैं, हाँ, एक अच्छी सी आवाज, एक सुकून वाली आवाज आ रही है झरनों की, देखो। हाँ, और वो जो पहाड़ के ऊपर से वो जो धुआं धुआं सा आ रहा है ना, एकदम नेचुरल फीलिंग है। आप देख सकते हो लोग कहां से कहां तक। एक मिनट आपको इंटरप्ट करना चाहती हूँ, आपके ऊपर से एरोप्लेन भी जा रहा है, वो भी बड़ा खूबसूरत सा लग रहा है। मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है, वो जो ऊपर लोग चले गए है, कितनी देर से उन्होंने चढ़ना स्टार्ट किया होगा, कितने पॉइंट पर। वो देखो कितना वो स्ट्रगलिंग है। हाँ, स्लो पे पब्लिक चढ़ भी रही, उतर भी रही। हाँ यार, जो शूज वगैरह पहन के, मुझे मेरा तो बहुत ब्यूटीफुल एनवायरनमेंट। सो फाइनली हम लोग पहुंच गए हैं मिस्टर DIY। यहाँ पे होम डेकोर का सामान मिलता है, 50% ऑफ चल रहा है, लेट्स सी क्या मिलता है यहाँ पर। सो सबसे पहले हमें चाहिए था मिरर घर के लिए, बट मुझे कोई इतना अच्छा लगा नहीं, तो हम लोग ने फिलहाल उसको स्किप किया, कुछ और देखते हैं। तो इस साइड थे बहुत सारे फ्लावर्स और क्रीपर, बट अपने घर में ऑलरेडी है तो फिर नहीं लेते हैं, चलते लेट्स सी ऊपर क्या है। क्यूट लग रहे हो, लगाओ। रूहानी, हाय करो। यहाँ पे आदि छुप छुप के मेरे लिए कुछ बर्थडे गिफ्ट ले रहे थे, तो मैंने सोचा उनको थोड़ा प्राइवेसी दे देती हूँ, तो फिर चलते इधर से देखते हैं घर जाके वो क्या लिए। सो बस आज की शॉपिंग हो गई है, घर जाके दिखाती हूँ कि मैंने क्या क्या यहाँ से लिया। फिलहाल आदि यहाँ पे पेमेंट करा रहे हैं, वो पेमेंट करा के आएंगे तो फिर हम लोग फिर निकलते हैं घर के लिए। सो हम लोग निकल चुके हैं घर के लिए वापस, क्योंकि काफ़ी रात हो गई है, फटाफट कुछ खाएंगे रास्ते में फिर घर निकलेंगे, क्योंकि बहुत लेट हो गया है। ये है वो सामान जो मैंने मिस्टर DIY से लिया था, ये गिफ्ट का बॉक्स है, आदि ने लिया है मेरे लिए। ये जान के लिए कप लिए हैं और ये पेंसिल का सेट है
और ये फ़ोटो फ्रेम है घर पे लगाने के लिए, और ये काफ़ी अफोर्डेबल था तो मैंने ले। ये छोटा सा मेकअप पाउच है, मम्मी के लिए लिया मैंने क्योंकि उनका कल बर्थडे है 10 जुलाई को। और ये तो पेंसिल सेट था इजान का। ये वॉलपेपर लिया है मैंने, अब उसको कहीं पे डेकोर करूँगी तो दिखाऊँगी बाद में। ये एक फ़ोटो फ्रेम था रोज़, तो ऑब्वियसली पीच कलर का रोज़ था, मुझे काफ़ी अच्छा लगा तो मैंने लगा। सो इस ब्लॉग का एंड मैं कल नहीं कर पाई थी, सो अभी नेक्स्ट डे हो गया है। आज का शेड्यूल बहुत पैक्ड है, आज अम्मी आ रही हैं लखनऊ से। सो इजान बाय, अल्लाह हाफिज़ करो, अल्लाह हाफिज़। सो हमारा वीडियो अगर अच्छा लगा हो तो उसको लाइक करिएगा और ढेर सारे कमेंट करके बताइएगा कि आपको माउंटेन व्यू कैसा लगा। तुम्हें अच्छा लगता है? हाँ, अगर आपको अच्छा लगता है तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हैं, राइट इजान? राइट इजान, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।